हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2 है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास यानी लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि भाई जो हमारी 12th की सेकंड बुक है उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर हमारे सामने आएंगे, लाइक एटम, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड ऑप्टिक्स। फिर हमने आपको बताया कि जो एटम का हमारा चैप्टर है उसका चैप्टर फ्लो हमारा क्या रहने वाला है, हम उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बच्चों समझ आ रही बात? और हम लोगों ने जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किया था स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, हालांकि इसके बारे में कुछ छोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। बच्चों थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें हम आपको बता चुके हैं, एक हल्का सा रिवीजन देकर फिर हम लोग आगे बात करेंगे। बच्चों हमने आपको बताया कि भाई थॉमसन ने अपना जो एटॉमिक मॉडल है, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है ना स्टूडेंट, ये हमारा सबसे पहला एटॉमिक मॉडल है, बिल्कुल फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है। और इसके मुताबिक एटम बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन बिहेव करता है ना बच्चों, बिल्कुल उसके जैसे ही एटम बिहेव करता है, कुछ इस तरीके से। समझ आ रही बात आप लोगों को? एटम का जो बिहेवियर है वो भी कुछ ऐसा ही है। ये जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड वाला पोर्शन रहता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से एटम के अंदर ये जो पिंक वाला पोर्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। ये जो मैंने आपके सामने पिंक शेड बनाई है, ये पिंक शेड रिप्रेजेंट करेगी, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज को। ये पिंक शेड हमारी पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाली है। ओके अच्छा, इसके बाद में बच्चों जरा हमारी बात को सुनिए। ये जैसे मैंने ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट में बना रहा हूँ, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ना स्टूडेंट, बिल्कुल उसी की तरीके से एटम के अंदर थॉमसन के मुताबिक ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये ब्लैक स्पॉट रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। यानी ये पूरा तो हमारे पास में एटम है, एटम के अंदर ये जो पिंक वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। और जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही एटम के अंदर ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट है, ये रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ये रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, या ये रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव चार्ज को स्टूडेंट। समझ में आ रही बच्चों बात? ओके, यानी थॉमसन के मुताबिक एटम बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वाटरमेलन, इसीलिए हम इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों थॉमसन ने कहा कि भाई ऐसा है, ये बिल्कुल वाटरमेलन की तरह बिहेव करेगा, और इसका एक और नाम है, और वो नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। समझ आ रही बात? थॉमसन के द्वारा इसे एक और नाम दिया गया, वो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल है बच्चों। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट लिमिटेशंस की, हम बात करते हैं लिमिटेशन की। देखो प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी लिखवा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल होता क्या है। ये तो मान लीजिए कि मैंने आपको हल्का सा रिवीजन दिया है बच्चों, बहुत मामूली सा रिवीजन मैंने आप लोगों को दिया है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों लिमिटेशन की, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस क्या है, कमियाँ क्या क्या है। देखो यार, सबसे बड़ी थॉमसन एटॉमिक मॉडल की कमी तो यही है कि वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझा पाया। थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की जो सबसे नंबर वन ड्रॉबैक है बच्चों, वो ये है कि वो ये नहीं बता पाया कि पॉजिटिव चार्ज एक्चुअल में कहाँ रहेगा और नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में कहाँ रहेगा। तो लिखिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लो भैया, ये हमारे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का सबसे पहला और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इस बात को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाया।
ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ बच्चों, बहुत छोटे छोटे पोर्शंस आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, लेकिन जितना आप लोगों को पढ़ाया जाएगा ना वो बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होना चाहिए। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इस बात को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहने वाला है और नेगेटिव चार्ज कहाँ रहने वाला है। ये थॉमसन के एटॉमिक मॉडल का नंबर वन ड्रॉबैक है बच्चों। नंबर टू ड्रॉबैक आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, नंबर टू ड्रॉबैक है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, लिखिए फटाफट अपनी कॉपी के अंदर, ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है और ये उसके ड्रॉबैक, उसकी लिमिटेशन है। नंबर वन लिमिटेशन आपके सामने है, नंबर टू लिमिटेशन मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, लेकिन नंबर टू लिमिटेशन, नंबर टू लिमिटेशन है स्टूडेंट थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन गीगर एंड मार्सडेन। देखो दो नाम है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम ध्यान रखेगा। अगला एक्सपेरिमेंट हमारा यही है, गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। वहां जाकर आप जानेंगे कि गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट है क्या। समझ आ रही बात? जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये इसका ड्रॉबैक नंबर दो है बच्चों। ड्रॉबैक नंबर एक, पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेगा रियल में, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा रियल में, इस बात को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नंबर टू है हमारे पास में, थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, ये गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट को भी नहीं समझा पाया बच्चों। ये दो ड्रॉबैक इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं और ये पूरा हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है। एटम बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वाटरमेलन, इसीलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ये पूरा एटम है, ये पिंक वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा पॉजिटिव चार्ज को और ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आप लोगों को दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को बिहेव करेंगे और ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर आप कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो जल्दी से नोट डाउन करिए। एटम के अंदर जो एक छोटा सा टॉपिक था हमारा वो पूरा हो गया है बच्चों। टॉपिक था हम लोगों का कि थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है क्या। ओके स्टूडेंट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं बच्चों टॉपिक नंबर दो। टॉपिक नंबर दो है हमारे पास में गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे, टॉपिक नंबर दो जो हमारे पास में है वो ये है, गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। भाई पहला मॉडल तो हमने थॉमसन का पढ़ लिया, लेकिन थॉमसन सही तरीके से ये नहीं समझा पाया कि एटम के अंदर होता क्या है। थॉमसन इस बात को सही तरीके से एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाया कि एटम के अंदर रियल में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बातों बात की है, पॉजिटिव चार्ज रियल में कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज रियल में कहाँ होता है, इस बात को थॉमसन समझा नहीं पाया। अब रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हुए हैं, उसके दो स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट का नाम था गीगर और एक स्टूडेंट का नाम था मार्सडेन, दोनों उसके अंडर पीएचडी स्टूडेंट थे। इन दोनों स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले तो हम लोग जब 9th या 10th क्लास में या 11th क्लास तक भी हम इसे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते थे बच्चों, लेकिन अब इसका नाम किताबों के अंदर बदलकर गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट कर दिया है। यानी पहले जो इसका नाम था ना स्टूडेंट वो था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। पहले इस टॉपिक का नाम बच्चों ये था रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। आइए जानते हैं कि गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट में क्या होगा और गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया है, क्या बात जानने के लिए हमने गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। बच्चों हम लोगों को रियल में ये जानना है कि रियल में एटम के अंदर होता क्या है, एटम का जो कंपोजिशन है,
एटम जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो क्या है, एटम के अंदर है क्या, इस बात को जानने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। इसकी थ्योरी मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा तब जब मैं पूरा टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों पहले आप पूरे टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद में हम इसकी थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे। बच्चों अब देखो गीगर और मार्सडेन के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। भाई देखो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया गया जिसका नाम है बिस्मिथ। ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल बिस्मिथ। रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होता है जो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करता है। बच्चों समझ में आ रही बात, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। हमने इसके चारों तरफ एक चैम्बर बना दिया है। क्यों बनाया है ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप ध्यान से देखते रहें। यहाँ कुछ ब्रिक्स हम लोगों ने लगा दी हैं स्टूडेंट, यहाँ कुछ ब्रिक्स हम लोगों ने लगाई हैं। ये कुछ ब्रिक्स हैं हमारे पास में, इन्हें लेड ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। लेड ब्रिक्स के नाम से जाना जाएगा बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्रिक हमने यहाँ लगा दी है, ये भी हमारी लेड ब्रिक है, और एक ब्रिक हमने यहाँ लगा दी है, ये भी लेड ब्रिक है स्टूडेंट हमारी। समझ आ रही बात, पहले पूरा डायग्राम आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आपको पूरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बच्चों यहाँ दो लेड के पीस है हमारे पास में, और इन लेड के पीस में और इन दोनों के बीच में यहाँ एक फॉइल लगाई गई है। इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट गोल्ड फॉइल, यहाँ ये लगाया गया है सर्कुलर स्क्रीन, ये हमारे पास में है स्क्रीन, और इसके पीछे लगाया गया है एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, तभी आप लोग बेहतर तरीके से बात को समझ पाएंगे। देखो भाई बच्चों अब ध्यान से बात सुनिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल। अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहिएगा कि भाई कौन से मटेरियल का काम क्या है। इसका नाम है रेडियो एक्टिव मटेरियल, बिस्मिथ इसका नाम है, और ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करता है। बच्चों इसके अंदर से कुछ पार्टिकल निकलते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करता है स्टूडेंट। समझ में आ रही बात, रेडियो एक्टिव मटेरियल बिस्मिथ इसका नाम है बच्चों। ठीक है, इसके चारों तरफ ये जो बॉक्स बनाया है ना हम लोगों ने, इस बॉक्स का नाम होता है लेड चैम्बर। इस बॉक्स का नाम है लेड चैम्बर। ठीक है, ये जो ब्रिक्स हम लोगों ने लगाई हैं यहाँ पर, इन्हें हम लोग बोलते हैं लेड ब्रिक्स। ठीक है, ये जो पिंक हम लोगों ने लगाया है इसे हम लोग बोलते हैं गोल्ड फॉइल स्टूडेंट, ये कहलाता है ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ में आ रही बात, अब यहाँ से ये जो अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं ना बच्चों, अल्फा पार्टिकल इसके अंदर से ये जो अल्फा पार्टिकल निकल कर जा रहा है, इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है इतनी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो गोल्ड की फॉइल हम लोगों ने लगा रखी है, इस गोल्ड की फॉइल की जो थिकनेस है वो है 2.1×10⁻¹⁷ मीटर। ये गोल्ड की फॉइल की थिकनेस है हमारे पास में 2.1×10⁻¹⁷ मीटर। देखो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया, अभी तो मैंने सही मायने में यहाँ पर डायग्राम को सेट किया है कि भाई डायग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है। ये हमारे पास में रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसका काम है अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालना, और ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को चारों तरफ बाहर निकालेगा। बच्चों ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल को चारों तरफ बाहर निकालेगा, लेकिन हमें चारों तरफ के अल्फा पार्टिकल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस डायरेक्शन का अल्फा पार्टिकल चाहिए, सिर्फ इस डायरेक्शन का। इसीलिए हमने चारों तरफ लेड का चैम्बर लगाकर ये जगह खाली रख दी, यानी इस डायरेक्शन में जो अल्फा पार्टिकल बचेगा ना बच्चों वो तो बाहर निकल जाएगा, बाकी ये जो चारों डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल बचेंगे, ये जो चारों डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, लेड चैम्बर, लेड यानी जो शीशा होता है ना
वो अल्फा पार्टिकल को या रेडियो एक्टिव मटेरियल को या रेडिएशन को, रेडिएशन का नाम तो सुना होगा, रेडिएशन का जो सबसे बढ़िया एब्जॉर्बर होता है ना स्टूडेंट, वो लेड होता है। लेड, समझ में आ रही बात, लेड। तो ये जो लेड है ना, ये जो चारों तरफ हम लोगों ने लेड लगा रखा है, ये चारों तरफ से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकल नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है इस वाले अल्फा पार्टिकल की। तो सिर्फ यही अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलकर इस गोल्ड की फॉइल से टकराएगा। तो पहला काम ये हो गया कि हमने यहाँ पर बिस्मिथ का यूज़ क्यों किया है। पहला काम ये हो गया कि भाई हमने यहाँ पर बिस्मिथ का यूज़ क्यों किया है। तो इसका आंसर ये है क्योंकि बिस्मिथ अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन को बाहर निकालता है, इसीलिए हमने यहाँ पर बिस्मिथ का यूज़ किया है। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि हमने चारों तरफ लेड का चैम्बर क्यों लगाया है, क्योंकि हमने कहा कि लेड रेडिएशन का सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है। भाई अगर मैंने यहाँ बिस्मिथ लगाया है तो बिस्मिथ तो अपने अंदर से चारों डायरेक्शन में रेडिएशन बाहर निकालेगा, हमें चारों डायरेक्शन की रेडिएशन बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक डायरेक्शन की रेडिएशन चाहिए। तो हमने चारों तरफ यहाँ पर गोल्ड, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हमने चारों तरफ लेड चैम्बर लगा दिया जो चारों तरफ रेडिएशन बाहर निकलेगी ना स्टूडेंट, लेड का जो चैम्बर है वो चारों तरफ की रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ एक तरफ की रेडिएशन हमारी बच पाएगी बच्चों, ठीक है, ओके। अच्छा भाई अगला सवाल, ये लेड ब्रिक्स हमने यहाँ क्यों लगाई है। हमने कहा यार ठीक है, हमने यहाँ चारों तरफ लेड चैम्बर लगा दिया और यहाँ से सिर्फ इस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलेगा, 1% ये भी तो हो सकता है कि जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल बाहर निकले वो यहाँ जाकर अपने रास्ते से भटक जाए। उसे अगर वो अपने रास्ते से भटक गया तो वो इधर उधर जाएगा, अगर वो इधर उधर जाएगा तो हार्मफुल साबित होगा, नुकसानदायक साबित होगा, तो वो नुकसानदायक ना रहे इसीलिए लेड की ब्रिक्स हमने यहाँ लगा दी। यानी ये अल्फा पार्टिकल अगर अपने रास्ते से भटका तो ये लेड की ब्रिक्स उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी बच्चों, समझ में आ रही बात। तो बच्चों आप समझ गए ना कि हमने बिस्मिथ का यूज क्यों किया, क्योंकि ये अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को बाहर निकालेगा, चारों तरफ लेड चैम्बर है जो इधर उधर जाने वाले अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ अल्फा पार्टिकल को इस डायरेक्शन में अलाउ करेगा। अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इतनी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक आधा पार्टिकल यहाँ भी ऐसा हुआ जो अपने रास्ते से भटक चुका है तो इन लेड ब्रिक्स को हमने लगाया है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर वो इधर उधर भटक गया तो ये लेड ब्रिक्स उस अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे बच्चों। अच्छा अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके और जिंक सल्फाइड स्क्रीन को क्रॉस करते हुए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास में पहुंचेंगे और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर ऐसे घूमते हुए, समझ में आ रही बात, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे सरफेस के ऊपर घूमेगा बच्चों और उन अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसे घूमकर उन अल्फा पार्टिकल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ये हमारा गीगर और मार्स डेन एक्सपेरिमेंट का डायग्राम रहने वाला है। अभी मैंने आपको बिल्कुल ये नहीं बताया कि एक्सपेरिमेंट होगा कैसे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या निकल कर आएंगे, मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि गीगर और मार्स डेन के एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया जाता है एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए, कि एटम के अंदर है क्या, इस बात का पता लगाने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है गीगर एंड मार्स डेन। समझ में आ रही है बच्चों बात, वेरी नाइस। और ये पूरा उस एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर है। आपका होमवर्क सिर्फ इतना है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 20 मिनट के अंदर आराम से 2-3 बार आप इसे लिख लिख कर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक तो हमने ये बताया और एक ही गीगर का एक्सपेरिमेंट आपको बताया है, सिर्फ डायग्राम। 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल बढ़िया करके। बच्चों मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट।